नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। प्रतापगढ़ जैसे नामी जिला में इतनी मात्रा में गांजा पकड़ना बड़ी बात। यहां से पुलिस अधीक्षक सरपाल अंतिल और डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी रानीगंज क्षेत्र अधिकारी का सराहनीय कार्य। वहां की पुलिस का बड़ा गुड वर्क। 3 क्विंटल 40 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद, 4 अभियुक्त गिरफ्तार। क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में रानीगंज पुलिस के हाथ लगी इतनी बड़ी सफलता। जनपद प्रतापगढ़ की थाना रानीगंज पुलिस मुख्य की सूचना पर थाना क्षेत्र रानीगंज की मुवार आधारगंज नहर फाटक के पास से 2 कार में अवैध गांजा सप्लाई हेतु 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां 2 कारों में 3 क्विंटल 40 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि हम लोग प्रतापगढ़ से गांजा लेने आए थे, जिसे ले जाकर अपने यहाँ बेचते हैं। वहीं बरामद दोनों कारों के संबंध में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि इनका प्रयोग हम लोग अवैध गांजा लेने व ले जाने के लिए करते हैं। क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि इसमें 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद अभियुक्तों पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाए। अभी भी पूरे जिले में गांजा सप्लाई होती है, लोग पी रहे हैं, जब आती नहीं तो पीते कहां से हैं। बाइटर डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी, क्षेत्र अधिकारी रानीगंज। रिपोर्ट राजीव की खास रिपोर्ट। दिनांक 29/5/2022 को थाना क्षेत्र रानीगंज के अंतर्गत बाहर से अवैध गांजा आने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सघन चेकिंग अभियान व घेराबंदी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप थाना क्षेत्र के मुआधारगंज के पास अभियुक्त राजेश सिंह आदि के पास से लगभग 3 क्विंटल 40 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। उक्त के अतिरिक्त अभियुक्तों के पास से 2 कार व अवैध गांजा बिक्री से लगभग 95,500 रुपये भी बरामद किए गए। राजेश सिंह आदि अभियुक्तों के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई।